इंडियाज नंबर वन ऑटो शो इग्निशन, मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल और आज के शो में हम कुछ बहुत ही खास आपके लिए लेकर आए हैं। मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक कार और लैम्बोर्गिनी की ह्यूरिकेन ईवो RWD। जी हाँ, बहुत ही खास है आज का शो। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट सेट रेडी टू गो। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में दबदबा बना पाएगी मर्सिडीज की फुली इलेक्ट्रिक SUV EQC? नई डिस्कवरी स्पोर्ट 2020 क्या कंज्यूमर्स को कर पाएगी इंप्रेस? सेंसर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अलावा लैम्बोर्गिनी की न्यू ह्यूरिकेन ईवो RWD में क्या है खास? MG मोटर की प्रीमियम SUV ग्लॉस्टर लॉन्च होने की तैयारी है और होगी ऑटो वर्ल्ड और एक्साइटिंग। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन, मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में हम आपको बताएंगे क्या है खास और शुरुआत होगी मर्सिडीज बेंज की ऑल इलेक्ट्रिक कार, फर्स्ट टाइम एवर द लग्जरी EV फ्रॉम मर्सिडीज बेंज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ EQC की, जो भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होगी, पर आज हम उसका एक्सक्लूसिव फर्स्ट टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। मर्सिडीज बेंज भारतीय बाजार में अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार EQC लाने की तैयारी में है। इसके लॉन्च से पहले मर्सिडीज बेंज ने अपनी ऑफिशियल साइट पर इसे लिस्ट कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये कार लॉन्च हो सकती है। ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज EQC का एक छोटा सा टीजर भी कंपनी ने जारी किया है। टीजर में EQC बैजिंग, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट समेत बाकी कई खासियत को दिखाया गया है। इसमें LED हेडलैम्प, बड़े अलॉय व्हील्स और LED टेल लैम्प के साथ फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर डिजाइन मिलती है। इस इलेक्ट्रिक SUV के फ्रंट पर आपको एक प्रोग्रेसिव लग्जरी का फील आता है जब आप देखते हैं इसके क्लासिक क्रोम ग्रिल्स विद डायनेमिक बैजिंग। इसका ओवरऑल एरोडायनेमिक डिजाइन बढ़ाता है इसकी न्यू फेस वैल्यू। गाड़ी के रियर लुक की बात करें तो यह है सीमलेस एंड सेंसुअल। ये गाड़ी कई कलर ऑप्शंस में मिलेगी जिसमें शामिल है पोलर व्हाइट, ग्रेफाइट ग्रे मेटालिक और हाईटेक सिल्वर मेटालिक। बड़े लेकिन लाइट अलॉय व्हील्स में आने वाले ब्लू आउटलेस बनाते हैं इसे बाकियों से अलग। इस इलेक्ट्रिक SUV में लग्जूरियस केबिन दिया गया है। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी का लेटेस्ट NTG MBUX सिस्टम मिलेगा जो होगा ही मर्सिडीज के असिस्टेंस के साथ। पहले से जिन फीचर्स की उम्मीद है उनमें इंटीरियर पर गौर करें तो 10.3 इंच का डुअल डिस्प्ले है जिसमें एक इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। मर्सिडीज बेंज EQC के यूनिक फीचर की बात करें तो इसके फिट एंड हेल्दी फीचर्स बनाते हैं इसे एकदम कूल। 3 जोन्स में बिल्ट थर्मोट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इसकी कूलिंग को बनाती है बाकियों से अलग और कंफर्टेबल। वहीं 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग आपकी आंखों को देता है सुकून। इसके एनर्जाइजिंग फीचर्स आपको रखेंगे फिट और अलर्ट। मर्सिडीज बेंज EQC को पावर देने की जिम्मेदारी है इसके 80 किलोवाट बैटरी पैक पर जो होगा 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। हर एक्सल पर एक मोटर बिल्ट किया गया है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 405 BHP की पावर और 765 NM का पीक टॉर्क जनरेट करती है। दावा है कि सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज मिलेगी। मर्सिडीज बेंज EQC की टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर पर आर, वहीं 0 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पाने में ये लेती है सिर्फ 5.1 सेकेंड्स। ये इलेक्ट्रिक SUV रेगुलर और फास्ट दोनों चार्जिंग ऑप्शन के साथ आती है। तो वहीं दावा है कि फास्ट चार्जर से 80% तक की चार्जिंग सिर्फ 40 मिनट में पाई जा सकती है। well, इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक गाड़ी EQC जो भारतीय बाजार में जल्दी लॉन्च होगी उसका फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव कर रही हूँ। well, खास बात यह है कि इस गाड़ी में एक फुल चार्ज में 400 किलोमीटर प्लस का आपको डिस्टेंस कवर करने को मिलता है, व्हिच आई थिंक इज अ बिग पॉइंट, क्योंकि लोग समझ सकते हैं कि इसको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मर्सिडीज बेंज का कहना है, उन्होंने एक स्टडी किया जिसमें उनके हिसाब से जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनके जो कम्यूट के पैटर्न देखे गए
तो उनको हफ्ते में केवल एक बार चार्ज करने से उनका पूरा यू नो बेसिक कम्यूट टू ऑफिस एंड बैक हो सकता है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि एक तकलीफ़ है कि बार बार इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको आराम से हफ्ते में एक बार चार्ज करिए एंड देन यू आर गुड टू गो विद इट. अगेन कॉस्ट की बात कर सकते हैं, कॉस्ट में ये बात ज़रूरी है, ये 50% चीपर है देन अ ट्रेडिशनल फ्यूल. सो एक फुल चार्ज आप, इफ़ आई वर टू कैलकुलेट इट इन रुपीज़, आप 1,000 रुपये खर्च करते हैं जब आप इसको एक फुल चार्ज देते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट यू गिव टू द कार. एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी वेरी रीजनेबल. कंपनी का कहना है 50% चीपर है देन अ पेट्रोल और डीजल कार. मर्सिडीज बेंज इस गाड़ी के साथ आपको AC वॉल बॉक्स देते हैं एज एन ऑप्शन, जिससे आप मीडियम रेंज में चार्ज कर सकते हैं. सो देयर आर 3 ऑप्शन, स्लो, मीडियम और फास्ट, डिपेंडिंग आपको कौन से ऑप्शन पर जाना है. रेकमेंडेड है मीडियम, जिसमें AC वॉल बॉक्स मर्सिडीज बेंज प्रोवाइड करता है, वो ऑप्शन आप ले सकते हैं. अदरवाइज इज़ अ फास्ट चार्जिंग ऑल्सो. सो AC मीडियम बॉक्स में आप अंदाज़ा अराउंड 7 odd hours में गाड़ी को फुली चार्ज कर सकते हैं, बट फास्ट चार्ज में इन अबाउट एन आवर और सो आप गाड़ी को अप टू 80% चार्ज कर लेते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आपके पास वक्त कम है, आपको गाड़ी में फुल चार्ज करना है या क्लोज टू फुल चार्ज करना है, तो फास्ट चार्जर यूज किया जा सकता है. मर्सिडीज बेंज EQC के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें दिए गए हैं 7 एयरबैग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, प्री सेफ सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और एक्टिव ब्रेक असिस्ट. इंटरनल सेफ्टी पर गौर करें तो इसका कूलिंग सिस्टम रखता है बैटरी के टेम्परेचर पर कंट्रोल. यही नहीं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रखता है बैटरी के हर पैरामीटर्स पर नजर. गाड़ी में मौजूद है सेफ हाउसिंग, जिसके सेल मॉड्यूल्स देते हैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन. इस इलेक्ट्रिक SUV में ड्यूअल मोटर सेटअप दिया गया है, जिसमें एक मोटर फ्रंट एक्सल और दूसरा रियर एक्सल पर है. मर्सिडीज बेंज EQC सही मायनों में कंपनी का एक बड़ा दाव है. ये भारतीय बाजार के लिए मर्सिडीज की पहले से प्लान लॉन्चेस में से एक भले हो, लेकिन इस जर्मन ब्रांड ने कोरोना काल में 2020 के लिए बड़ी अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना रखी है. जहां इंडियन मार्केट में पहले से GLC, GLE, GLS और AMG GTR जैसे कई मॉडल लॉन्च हो चुके हैं, तो अब कंपनी E-क्लास सेडान को भी लॉन्च करने पर काम कर रही है. फिलहाल मर्सिडीज बेंज EQC इलेक्ट्रिक SUV के मुकाबले देखें तो भारत में मौजूदा वक्त में सीधा मुकाबला वैसे तो किसी ब्रांड से नहीं है. हालांकि ऑडी भी अपनी इलेक्ट्रिक SUV e-tron पर काम कर रही है, जिसे जल्द इंडियन मार्केट में लाने की प्लानिंग हो रही है. ऑल राइट, तो ये है मर्सिडीज बेंज की EQC ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि भारतीय बाजार में अक्टूबर नवंबर की टाइम फ्रेम में लॉन्च होगी. प्राइस उम्मीद कर सकते हैं अबाउट 1 crore प्लस. ऑफकोर्स ये CBU है, विच मीन्स कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट. ये यहाँ पर CBU फॉर्म में ही लाई जा रही है, असेंबली के कोई प्लान्स नहीं है फिलहाल एंड फॉर सम टाइम एटलीस्ट. तो प्राइसिंग इस रेंज में है. अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो ऑडी में e-tron, जैगुआर में i-PACE, टेस्ला X मॉडल, बट टेस्ला ऑफकोर्स इंडिया में नहीं है, तो दैट्स नॉट द राइट कंपेरिजन. बट ग्लोबली अगर हम देखें ऑन दैट EQC really competes with these products that I just spoke about. Now, overall performance, अगर हम गाड़ी की बात करें और क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए आपको, तो दो important बातें आपको ध्यान रखनी है. पहले तो ये electric car है, and electric में एक statement, especially in the luxury space, आपको बनाना है, तो ये गाड़ी बहुत ही perfect fit होगी. For people as a second or a third car, the green number plate is of course a matter of pride. आप environmental conscious हैं, ये दर्शाता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल पैकेज जो आपको मिल रहा है फॉर दिस प्राइस, ऑफकोर्स यूनिकनेस है, चेंजेस हमने ऑलरेडी बात की, फीचर्स की बात की, परफॉर्मेंस मैं ये नहीं कहूँगी इट्स एन आउट एंड आउट परफॉर्मेंस कार, बट इट्स रीजनेबली ऑल राइट. जो मुझे बात नहीं बहुत अच्छी लगी शायद वो ये कि इसकी ब्रेकिंग इज़ नॉट एज इम्प्रेसिव ऑन द वाइंडिंग रोड्स, ये इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर पा रही है. बट अगेन एज वी नो इट्स एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार, तो परफॉर्मेंस इससे उम्मीद रखना भी गलत होगा. बट पावर के पॉइंट से, टॉक के पॉइंट से ये काफ़ी बढ़िया है. आपको अच्छा खासा यू नो फुल चार्ज पर 400 प्लस का ये एक यू नो डिस्टेंस कवर कर लेती है. तो ओवरऑल इनफैक्ट 0 to 100 अबाउट 5 odd seconds में
आपको मिलता है. सो एक्सेलरेशन इज ग्रेट. सो आई थिंक अगर आप इसको एज अ सेकेंड और अ थर्ड कार लेना चाहते हैं और इवन फॉर दैट मैटर यू वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड एंड बी इन द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेटअप देन आई थिंक ये गाड़ी आप देख सकते हैं क्योंकि रेंज भी बहुत बढ़िया बताया है कंपनी ने. 400 किलोमीटर मीन्स आपको हफ्ते में अगर आपका बेसिक कम्यूट 50-60 ही रोज़ है तो आप इसको हफ्ते में बस एक ही बार चार्ज करें एंड दिस विल बी गुड टू गो. सो दैट्स द मर्सिडीज बेंज EQC. तो चलिए ये तो हुई मर्सिडीज बेंज की फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक EQC की टेस्ट ड्राइव. ऑफ कोर्स थोड़े वक्त में ये लॉन्च भी होगी भारतीय बाजार में और हम आपके लिए इसका पहला ड्राइव और फीचर्स लेकर आए. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे लैंड रोवर की तरफ फोकस होगा डिस्कवरी स्पोर्ट. जी हाँ, लैंड रोवर ने न्यू 2020 डिस्कवरी स्पोर्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसमें दो नए BS6 इंजन के साथ कैबिन में भी कुछ डिजाइन अपडेट्स किए हैं. पर क्या ये कंज्यूमर्स को कर पाएगी इंप्रेस? लेट्स फाइंड आउट. नई डिस्कवरी स्पोर्ट के डिस्प्ले स्क्रीन और सेंटर कंसोल को देखें तो ये काफी सोफिस्टिकेटेड लुक के साथ आती है. केबिन की एयर आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का ख्याल रखती है. इसका एडवांस लैंड रोवर इन कंट्रोल टच प्रो इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम करता है सपोर्ट एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस ये कार ड्राइविंग प्रेफरेंसेस को करती है एडजस्ट अपने हिसाब से. वायरलेस चार्जिंग हो या 4G वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हैं इसे खास. यही नहीं, क्लियर साइट रियर व्यू मिरर भी अब मौजूद है डिस्कवरी स्पोर्ट में. लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट के मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसके नए मॉडल के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं. हालांकि ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए इसमें अब नए हेडलैम्प, नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल, अलग डिजाइन का बम्पर और हेडलैम्प के लिए नई LED दी गई है. कंपनी ने इस नई SUV के केबिन में नया ऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डैशबोर्ड पर नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिया है. सभी रो पर 12 वोल्ट्स के पॉइंट्स, फ्रंट सीट्स पर मसाजिंग ऑप्शंस, पावर टेलगेट, 11 स्पीकर्स वाला मेरिडियन साउंड सिस्टम, IRVM को स्क्रीन में कन्वर्ट करने वाला क्लियर साइड कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. नई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट 2020 में 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम वाला 2.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 183 kW की पार और 365 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी है जो 132 kW की पार और 430 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. दोनों इंजन के साथ 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. पहले की तरह न्यू डिस्कवरी स्पोर्ट में लैंड रोवर के टेरेन रिस्पांस 2 प्रोग्राम से लैस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिए गए हैं. डिस्कवरी स्पोर्ट 2020 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आराम से 600 मिलीमीटर पानी तक में रह सकती है. प्राइसिंग की बात करें तो इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 57,06,000 से लेकर 60,89,000 तक रखी गई है. इंडियन मार्केट में लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का मुकाबला BMW X3, मर्सिडीज बेंज GLC, Audi Q5 और वॉल्वो XC60 से है. तो चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद. बट ब्रेक के बाद आपके लिए हम एक खास गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम लैम्बोर्गिनी की ह्यूरिकेन ईवो RWD की टेस्ट ड्राइव पर जाएंगे. बहुत ही स्पेशल है ये गाड़ी. क्यों है स्पेशल ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन, इंडियाज नंबर वन ऑटो शो. मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल और आज एक स्पेशल डे है. ऑफ कोर्स लैम्बोर्गिनी इज हियर. जी हाँ, आज हम लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन ईवो रियर व्हील ड्राइव टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि भारतीय बाजार में ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले लॉन्च हुई थी. तो चलिए चलते हैं इसकी एक्साइटिंग टेस्ट ड्राइव पर. Yeah.
लग्जरी स्पोर्ट्स कारों से दुनिया भर में नाम बनाने वाली कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी पावरफुल कार हुराकन इवो RWD को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्चिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसे ग्लोबली लॉन्च करने के तुरंत बाद भारत में भी पेश किया गया है। हुराकन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये लैम्बोर्गिनी का एक और एक्सटेंशन है मैन एंड मशीन के बीच एक खास रिश्ता बनाने में। जहां तक इंटीरियर डिजाइन की बात है तो इसमें HMI 8.4 इंच इन्फो एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं। साथ ही इसमें मिलती है फुल कनेक्टिविटी विद एक्सेस ऑफ टेलीफोन कॉल्स एंड इंटरनेट भी। इसके साथ ही सुपर कार में कार्बन फाइबर पैक के साथ कस्टमाइजेशन का विकल्प दिया गया है। कंज्यूमर अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसके एक्सटीरियर में बाकी मॉडल्स की तुलना में बदलाव कर नया फ्रंट बम्पर, एयर इंटेक के लिए नए फिन, नए स्लेटर, 19 इंच के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही रियर बम्पर को ग्लॉसी रखा गया है। फीचर्स में नए बदलाव के तहत रियर बम्पर को ग्लॉसी रखने के साथ साथ डिफ्यूज को इससे जोड़ दिया गया है। और ये गाड़ी बनी है ट्रूली फॉर द ड्राइवर। जी हाँ, इसका जो हार्ट है एट द सेंटर ऑफ दिस कार्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज फॉर द ड्राइवर। और वो इसलिए क्योंकि ये चलाने में इसका परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग। ऑब्वियसली दिस इज ट्रूली अ कार विच यू लव टू टेक ऑन द ट्रैक। और ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। स्पेक्स आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, 610 हॉर्स पावर V10 इंजन ऑफ कोर्स and 560 newton meter of torque, 0 to 100 in just about 3 odd seconds. So you know, it's truly talking performance jab hum is gaadi ki baat karte hain. To un sabhi logo ke liye jo sochte hain ki ye gaadi specifically a super luxury sports car which are of course low in height, ye gaadi indian roads pe kaise chalegi, to main aapko bata dun, yahan ek button hai jiske through aap isko gaadi ko lift kar sakte hain, raise kar sakte hain, एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेहतर हो जाता है। सो यू कैन ईजिली टेक इट ऑन द स्पीड बम्प्स वेरी कम्फर्टेबली। बहुत स्लोली आप गाड़ी को रेज जब करेंगे तो स्लोली ये स्पीड बम्प से बहुत कम्फर्टेबली आगे बढ़ जाएगी। सो दैट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इस गाड़ी में अगर हम देखें तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसकी सबसे बड़ी USP है। ड्राइविंग के साथ साथ इट्स अ बिग हेड टर्नर। हम इस गाड़ी को जब भी चलाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग यू नो मुड़ कर देखेंगे, दे स्टॉप एंड टेक पिक्चर्स। सो ऑब्वियसली देर इज़ दैट लिटिल ओम फैक्टर विद दिस कार। और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल इट्स लैम्बोर्गिनी। इस कार का वजन महज 1390 किलोग्राम है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है जो 3.3 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर पर आर है। सबसे खास है लैम्बोर्गिनी का परफॉर्मेंस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी PTCS। नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और परफॉर्मेंस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के फर्क की बात करें तो जहां नॉर्मल ट्रैक्शन सिस्टम करता है इंतजार कार के पूरी तरह से स्टेबल होने का और फिर जनरेट करता है टॉर्क को दोबारा, तो वहीं PTCS एडवांस में डिलीवर करता है टॉर्क, जिससे हार्श टॉर्क कट के साथ बेटर ट्रैक्शन भी मिलता है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड आपको मिलते हैं, स्ट्राडा, स्पोर्ट और कोर्सा। तो इस हिसाब से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही एंड पर लैम्बोर्गिनी बहुत ही खास है। खासकर कार की शेप पर एम्फेसिस करते हुए न्यू कलर जियालो बेलेनस येलो को डेडिकेटेड लेदर और एलकेंटारा कलर के साथ कुछ इस तरह मैच किया गया है जिससे एक्सटीरियर को कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। कार की एक शोरूम कीमत रखी गई है 3,22,00,000 रुपए। कुल मिलाकर न्यू लैम्बोर्गिनी हुराकन ईवो RWD एक सब्लाइम ड्राइविंग का वादा करती है। तो ये थी हुराकन ईवो RWD जो कि भारतीय बाजार में 3.22 करोड़ रुपीस एक शोरूम प्राइस पर लॉन्च हुई है। तो करीब करीब 4 करोड़ का बजट होना चाहिए अगर आपको ये गाड़ी लेनी हो। इट्स डेफिनेटली अ हेड टर्नर। चलिए आगे वक्त हो चला है अब हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, आपको हम बताते हैं।
अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। EESL ने टाटा मोटर्स और ह्यूंडई के साथ 250 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सप्लाई का अग्रीमेंट साइन किया। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए EESL के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ने कहा कि 6 महीने में ऐसे ऑर्डर और प्लेस किए जाएंगे, जबकि ह्यूंडई ने कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप अच्छा है। ये हमने 250 गाड़ियों का टेंडर किया था, जिसमें से कि 150 गाड़ियां हम चाहते थे करीब 4 मीटर और बिलो की लेंथ की, और 150 गाड़ी करीब 4 मीटर एंड अबव की, और रेंज भी अलग है। जैसे टाटा की गाड़ी जो है वो करीब 300 किलोमीटर की रेंज है, जहाँ की हुंडई की गाड़ी की करीब 400 किलोमीटर है। आइडिया ये कि ये नई कार्स आई हैं, हम चाहते हैं कि नई कार्स का भी प्रमोशन प्रोपोगेशन हो, ये लोगों को पता चले जब देखेंगे। और हम इसके और भी अभी आंकड़े सामने लाएंगे कि आज इन गाड़ियों को चलाना एक पेट्रोल गाड़ी से कहीं ज़्यादा सस्ता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये टाटा की गाड़ी लेता हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनका एक सेम पेट्रोल वेरिएंट है और डीजल वेरिएंट है। आज अगर आप इसको इस गाड़ी को चलाएंगे दिल्ली में, इसकी चार्जिंग का जो दर तय किया है वो करीब 4 रुपये पर यूनिट है, और इसका दाम आपको पड़ेगा करीब 60 से 70 पैसा पर किलोमीटर। जहाँ तक कि डीजल का सवाल है वो कम से कम 6 से 6.5 रुपये पड़ेगा। तो ये हम आपके माध्यम से ये लोगों को, उपभोक्ताओं को बताना चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ चाहे आपको थोड़ा सा महंगी लगें इनिशियली एज़ कम्पेयर टू देयर अदर वेरिएंट, अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखेंगे तो ये कहीं ज़्यादा सस्ती है। MG मोटर भारत में अपनी जल्द प्रीमियम SUV ग्लॉस्टर को लॉन्च करने जा रही है, और कंपनी ने एक बार फिर गाड़ी के ऑटो पार्क असिस्ट फीचर की झलक दिखाई है। एक बार लॉन्च होने के बाद ग्लॉस्टर भारत की पहली लेवल 1 ऑटोनॉमस प्रीमियम SUV बन जाएगी। कार को 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मार्केट में उतारने की उम्मीद है। MG की नई 7 सीटर SUV अक्टूबर के महीने में लॉन्च की जाएगी। ग्लॉस्टर का एक ब्रिटिश जेट इंजन विमान प्रोटोटाइप पर नाम रखा गया है। कंपनी का दावा है कि नई कार टावरिंग रोड प्रेजेंस, पावरफुल इंजन और शानदार इंटीरियर्स के साथ आएगी। ग्लॉस्टर चीन में बिकने वाली मैक्स D90 पर बेस्ड है। फोर्ड एंडीवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा अल्टुरा G4 को टक्कर देगी। किया मोटर्स इंडिया ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अपनी ब्रांड न्यू कॉम्पैक्ट किया सोनेट की पहली कस्टमर कार को रोल आउट किया। सोनेट कंपनी की लेटेस्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसे काफी मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि सोनेट एक बोल्ड और डायनेमिक डिजाइन, 30 प्लस सेगमेंट बेस्ट फीचर्स है और वॉइस कंट्रोल सहित 57 UEO कनेक्ट से लैस होगी। किया सोनेट 18 सितंबर 2020 को भारत में लॉन्च की जाएगी और उसी तारीख से डिलीवरी भी होगी। प्री बुक के दिन से सोनेट को 6,523 बुकिंग मिली थी। टाटा मोटर्स ने अपने प्रीमियम SUV हैरियर के नए XT प्लस वेरिएंट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत 16,99,000 रखी गई है। XT प्लस वेरिएंट में प्रियोटेक 2.0 डीजल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, R17 अलॉय व्हील्स, फ्लोटिंग आइलैंड 7 टच स्क्रीन इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम, G8 स्पीकर्स के साथ अन्य फीचर्स से लैस हैं। गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, पुश बटन स्टार्ट, फुल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वेरिएंट में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एडवांस्ड ESP के साथ फॉग लैंप और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। पियाजियो इंडिया ने भारत में 125 और 150cc इंजन के साथ रेसिंग थीम वाले स्पेशल एडिशन वेस्पा रेसिंग 60s को लॉन्च किया है, जो कंपनी के SXL 150 BS6 और SXL 125 BS6 पर आधारित है। 125cc वेरिएंट 10 PS पावर और 9.60 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 150cc वेरिएंट 10.5 PS की पावर और 10.6 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नए स्कूटर में मोनोकॉक फुल स्टील बॉडी है और ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ट्विन पॉट कैलिपर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। स्कूटर में फ्रंट और बैक पर रेसिंग ट्रिम्स, LED हेडलाइट, चार्जिंग पोर्ट, सेंटर इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग एक्स्ट्रा बाइट बीम लाइट,
यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, बूट लाइट, 5 स्पोक पेटल एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और 150 सीसी की शुरुआती कीमत 1,33,000 रखी गई है। हीरो इलेक्ट्रिक और ईवी मोटर्स इंडिया ने हीरो की ई बाइक्स की रैपिड चार्जिंग के लिए पार्टनरशिप का ऐलान किया है। ईवीएम हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अपना फास्ट चार्जिंग बैटरी पैक और चार्जिंग इंफ्रा देगा। कंपनी का कहना है कि स्कूटर को 0 से 100% चार्ज करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय लगेगा। कंपनी प्लग एंड गो नाम के रैपिड चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बनाएगी, जिसे स्कूटर 130 से 140 किलोमीटर तक चल सकता है। शुरुआत में अगले 12 महीनों में कुछ शहरों में लगभग 10,000 ई बाइक चलाने का प्लान है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। ये पार्टनरशिप विशेष रूप से ई कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, बड़े ऑपरेटर्स और कुरियर डिलीवरी सहित लास्ट माइल कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। Volkswagen इंडिया ने BS6 पोलो और वेंटो के ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए बुकिंग और कीमतों का ऐलान किया। दोनों गाड़ियों में अब 6 स्पीड टार्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं। BS6 पोलो और वेंटो दोनों में 1 लीटर TSI इंजन दिया गया है, जो 110 PS और 175 NM का टार्क प्रोड्यूस करता है। पोलो GT TSI में डुअल एयरबैग, ब्लैक OVRM कैप्स, GTI इंस्पायर्ड सीट और ब्लैक रियर स्पॉइलर से लैस है। वेंटो हाईलाइन प्लस वेरिएंट में पैसेंजर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए 4 एयरबैग शामिल हैं और LED हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों को कंपनी की वेबसाइट और डीलरशिप में बुक किया जा सकता है। BS6 पोलो GT TSI की कीमत 9,67,000 और BS6 वेंटो हाईलाइन प्लस ऑटोमेटिक की कीमत 12,99,000 रखी गई है। डिलीवरी की शुरुआत 15 सितंबर से होगी। होंडा कार्स इंडिया ने फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी बेचते रहने का ऐलान किया है। फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन के साथ दो वेरिएंट SV और V में मिलेगी। फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी के दो ग्रेड हाल ही में लॉन्च किए गए, जो पांचवी जनरेशन होंडा सिटी के साथ बेचे जाएंगे। फोर्थ जेन कार में फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी की तरह BS6 इंजन मिलता है। 2014 में लॉन्च होने के बाद गाड़ी के अब तक 3.5 लाख यूनिट बिक चुके हैं। फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी पांचवी जनरेशन से सस्ती है। फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी SV की शुरुआती कीमत 9,29,900 और V की शुरुआती कीमत 9,99,900 से होती है। तो आज के शो में बस इतना ही। आप भेजिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, ईमेल, फेसबुक द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_jain, इस पर भी आप अपने सवाल या फीडबैक जरूर हमें भेजें। तब तक डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट जब आप गाड़ी में हो और हेलमेट जब आप बाइक पर हो या स्कूटर पे हो। टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जान है तो जहान है। जय हिंद।